بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل إعزاز سامعين आज मैंने हारून रशीद एक वक्त का बादशाह था उसके एक साहबजादे का वाक्या है जो तकवे से भरा हुआ था अल्लाह के खौफ से अल्लाह के डर से उसका दिल खशियत से भरा हुआ रहता था। वाक्या कुछ इस तरह है कि उस बच्चे की उम्र 16 साल थी और वह अक्सर सुबह से शाम तक कब्रिस्तान में रहता था और कब्र वालों को मुखातब होकर ये शेर पढ़ा करता था, या साहिबी ला तगतरर बितनाउमी फल उम्रु यनफदु वन नईमु यज़ूलु व इज़ा हमलत इलल क़ुबूर जनाज़तन फअलम बिअन्नक बादहा महमूलु तरूउनियल जनाइज़ु कुल्ल यौमिन व यहज़ुनुनी बुकाउन नाइहाती। जिसका तर्जमा ये है, ए मेरे दोस्त, दुनिया की नियामतों से, दुनिया के मकानात से, दुनिया के लिबास से, दुनिया की चटपटी और रंग बिरंगी चीज़ों से और दुनिया के सुबह और शाम जवाल उरूज और जितने ठाठ बाट की सवारियां हैं इनसे मुतासर ना होना, इसलिए कि ना ये चीज़ें बाकी रहने वाली हैं और ए इंसान ना तू बाकी रहने वाला है। ए मुखातब, जब तू किसी मैयत को कंधा दे तो दिल में ये सोचा कर कि एक दिन मैं इस चारपाई के ऊपर हूंगा, मैं इस चारपाई के ऊपर हूंगा और इस ताबूत के अंदर हूंगा होगा और लोग मेरी चारपाई को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ, जनाजागाह की तरफ ले चले जाएंगे और जनाजे के ऐलानात शुरू हो जाएंगे, हर तरफ रोने की आवाजें शुरू हो जाएंगी। लेकिन तुझे उस वक्त क्या होगा कि तूने अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा और मुझे मैयत पर रोने वालियों की आवाजें गमगीन रखती हैं कि एक दिन मैंने भी दुनिया से चले जाना है। और एक दिन ऐसे हुआ कि हारून और रशीद जो वक्त का बादशाह था उसने दो से ज़ायद बर आज़म पर हुकूमत की। हारून और रशीद खुद भी एक नेक और रहमदिल बादशाह था और उसकी बीवी जो जुबैदा थी वह भी बड़ी रहमदिल और नेक दिल खातून थी कि जिसने नहरे जुबैदा बनाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जीत लिया। इराक से जो मिना और अराफात में और ताफ से होते हुई उसने जो है वो मुजदलफा तक उसको पहुंचाया था, तो ये उसकी रहमदिली की और सखावत की और अल्लाह पर एतमाद की एक मिसाल की इंतहा थी। तो एक दिन हारून और रशीद के घर के अंदर जो दूसरे इलाके के वज़रा थे वो आए तो उस बच्चे ने उनकी खिदमत मुदारात की, पानी रखा, खाना खिलाया। तो अब यही सीधा सादा इसका लिबास था और सीधे सादे जूते थे और चेहरे से मस्करत और चेहरे पर जो है वो मासूमियत का इजहार हो रहा था। तो उन वज़रा ने हारून और रशीद से सवाल किया कि ये बच्चा कौन है, तुम्हारा नौकर है, खादिम है? तो हारून अर रशीद ने कहा, नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा साहबजादा है। तो उन वज़रा ने कहा कि ये बच्चा तो आपको बड़ा बनकर आपको ख़राब करेगा, आपकी बादशाहत में बड़ा फ़र्क आ जाएगा। इसका देखो ना, इसको ढंग का जो है वो लिबास पहनना आता है, न इसके जूते हैं ढंग के और न इसको बात करने का तरीका, और ये बिल्कुल सीधा सादा चुपचाप है, तो ये तो तेरी बादशाहत का बेड़ा उलट देगा इसकी वजह से, तू इसको बदल, इसका ख्याल कर। जब वो वज़रा चले गए तो हारून अर रशीद को गुस्सा आया हुआ था, अपने उस बेटे को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, आज तूने दूसरे लोगों के सामने, वज़रा के सामने मुझे जलील किया है।
अब ये बच्चा सारी बातें सुनता रहा, क्योंकि वालिद था और बच्चे का यह हक था, बेटे का यह हक था कि अपने वालिद की सारी गुफ्तगू को सुनता। जब वालिद की बात खत्म हुई तो घर में एक दरख्त था, उस पर एक परिंदा बैठा हुआ था। उस 16 साल के बच्चे ने उस परिंदे की तरफ शहादत की उंगली से इशारा किया और कहा, परिंदे जिस रब ने तुझे पैदा किया उस रब का वास्ता देता हूं, आ और मेरे हाथ पे आकर बैठ जा। वो परिंदा उधर से उड़ा, इस 16 साल के बच्चे के हाथ पर आकर बैठ गया। हारून रशीद इस मंजर को देख रहा था और अंदर ही अंदर से हैरान और परेशान और दंग हो रहा था और एक तजुब की सी कैफियत तारी हो रही थी। और ये बच्चा अपने वालिद को समझा रहा था, अब्बा जान तुम्हारी बादशाहतें सिर्फ जाहरी सलाम है, जब तक बादशाहत है उस वक्त तक सलाम है, जब तक लिबास है, जब तक सवारियों की तादाद की कसरत है, पैसे की रेल पैल है उस वक्त तक सलाम है। जब ये पैसा चला गया या इंसान के जिस्म से रूह चली गई तो ये सारे ठाट बाट, ये सारे प्रोटोकॉल, ये सारी सलामियां, ये सारे बादशाहों की आमदोरफ्त, ये सारी खत्म हो जाएगी। ए अब्बा जान, असल बादशाह अल्लाह की इताअत में है, अल्लाह को मान लो, अल्लाह की मान लो, नबी को मान लो, नबी की इताअत में आ जाओ। दुनिया की बादशाहतें भी, मरने के बाद की बादशाहतें भी, और सिर्फ इंसानों पर नहीं, परिंदों पर भी, दरिंदों पर भी, और पहाड़ों पर भी, दरख्तों पर भी, हर हर मखलूक पर तेरी बादशाहत होगी। जिस तरह के इमाम शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया था, ताज्जुब मकुन सादिया, तू हम गर्दन जहुक में दावर मपेच, गर्दन न पेचत जहुक में तू हेच। कि जब उन्होंने देखा कि एक शख्स जंगल में एक चीते पर सवार है और वो बड़े हैरान हुए, हैरान होकर इमाम शहसादी रहमतुल्लाह अलैहि ने देखा तो शख्स ने कहा, एक शहसादी तू तअज्जुब न कर, तू अल्लाह के हुक्म के सामने, नबी की इताअत के सामने गर्दन को झुका दे, पूरी कायनात के दरिंदे तेरे सामने अपनी गर्दन को झुका देंगे। और फिर कहा, अब्बा मैं तेरे महल में नहीं रह सकता, मैं तेरे लिबासों से फायदा नहीं उठा सकता, तेरी इस मुलाजमत से, तेरी इस बादशाहत से मैं फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए मैं जंगल का रास्ता लेता हूँ, मैं ऐसी जगह में जाता हूँ जहाँ पे मुझे तन्हाई मिले, इबादत का मौका मिले, जहाँ पे ये बादशाहतों के रंग रोगन मुझे नजर ना आए, मुझे फकीराना जिंदगी चाहिए, दरवेशाना जिंदगी चाहिए। तो उसने घर से निकलने का पक्का इरादा किया। तब घर से निकलने लगा, अम्मा ने समझाया, बहुत तरीके से उनको बुलाया बिठाया, लेकिन जब देख लिया अम्मा ने कि ये नहीं रुकता, तो जाते हुए अम्मा ने कुरान दिया और एक सोने की अंगूठी दी कि किसी मुश्किल घड़ी में इस सोने की अंगूठी को बेच के अपना निजाम चला ले। वो बच्चा रवाना हुआ तो बगदाद से चलते 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 बसरा के एक जंगल था, बसरा के जंगल में पहुंचा और वहां पर वो रहता था। 6 दिन कुरान पाक पढ़ता, नवाफिल पढ़ता, इबादत करता और 7वें दिन में मजदूरी करता। हफ्ते के दिन उस मजदूरी से जो पैसे मिलते, 7 दिन वो अपना खर्चा अपना निजाम चलाता और फिर अगले हफ्ते को वो फिर मजदूरी करता। आमिर बसरी, ये बसरा के थे क्योंकि बगदाद से बसरा गया था। तो आमिर बसरी कहते हैं, मैंने एक दीवार बनवानी थी तो मैं दीवार बनवाने के लिए बाहर निकला। मुझे पता चला कि एक जंगल में मासूम लड़का है, बड़ा खूबसूरत है और बड़ा अच्छा काम करता है। मैं उस बच्चे को लेकर घर में आया। उस बच्चे ने 2 शर्तें रखवाई कि ए चचा जान, जब अजान हो जाएगी मैं काम छोड़ दूंगा, दूसरा मैं दिन में 1 दानिक और 1 दिरम यानी 6 पैसे मजदूरी लेता हूँ, न इससे कम लेता हूँ न इससे ज्यादा लेता हूँ। ये 2 शर्तें उसने मंजूर कर ली। आमिर बसरी कहते हैं, मैंने गारा और पत्थर सामने रखवा के डाल दिए, मैं अपने काम में लग गया। शाम को मैंने देखा कि उस अकेले लड़के ने जिसके मासूम हाथ थे, मासूम चेहरा था, फूल जैसे रेशम लिबास जैसे, जिस तरह रेशम नरम होता है जैसे उसके हाथ थे, फूल जैसे हाथ थे, जिसने कभी तिनका नहीं उठाया था रिस्क हलाल के लिए, उसे आज एक दीवार और मजदूरों का काम करना पड़ा। कि शाम को मैंने देखा तो उस अकेले लड़के ने
10 आदमियों के बकदर काम किया। मैंने उसको 2 दिरहम मजदूरी दी, उसने लेने से इनकार कर लिया। मैंने कहा कल काम के लिए आओगे, उसने कहा नहीं, 6 दिन मेरी इबादत के हैं, 7वें दिन मैं काम को आ सकता हूँ। काम रुकवाना हो तो रुकवा लो, शुरू करवाना हो तो किसी और को बुला लो। आमिर बसरी कहते हैं मैं अगले हफ्ते के इंतजार में था, अगले हफ्ते को आया, मैंने छुप के देखा कि ये कैसे काम करता है। मैंने देखा कि वो गारा बनाकर ईंटों पर पत्थरों पर डालता है, पत्थर खुद बखुद ही घटते चले जाते हैं और आपस में एडजस्ट होते चले जाते हैं। मैं समझ गया कि बच्चा तो कोई वली है, और क्योंकि वलियों के साथ अल्लाह की मदद होती है, वलियों के साथ अल्लाह की मदद होती है। कहा मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने उसको वो मजदूरी दी जो तय हुई थी। और अगले हफ्ते को मुझे पता चला कि वो जंगल में है और आखिरी हालत में है। मैं गया तो उसने अपना सर ईंट पे रखा हुआ था। मैंने सलाम किया, उसने आंखें खोली और कहा आमिर बसरी मेरी 2 वसीयतें हैं, मैं मर गया मुझे यहीं पे दफन कर देना, ये लोटा और ये मुसल्ला कब्र खोदने वाले को दे देना, ये कुरान ये अंगूठी मैं हारून रशीद वक्त का जो बादशाह उसका मैं बेटा हूँ और ये उस तक पहुंचा देना, साथ ही ये पैगाम देना कि ये बादशाहत आरजी है और ये रेल पेल आरजी है, ये सवारी आरजी है, कल कोई और बादशाह था, आज तू है, कल तू चला जाएगा, कोई और आ जाएगा, इसलिए बादशाहत के चक्कर में अल्लाह को न भूलना, अल्लाह को याद रखना, तूने भी उस कब्र की तरफ आना है जिसकी तरफ तेरा छोटा बेटा चला गया। का ये अल्फाज थे और वह दुनिया से चला गया। मैंने तजीज़ो तकफीन की और मैं उसकी वसीयत के मुताबिक जब बगदाद में पहुंचा तो हारून रशीद 10,000 घोड़ों के साथ प्रोटोकॉल के साथ निकल रहा था। मैंने जोर से आवाज दी, ए हारून रशीद वक्त के बादशाह, एक परदेसी लड़के की मेरे पास अमानत है, वो सोने की अंगूठी और कुरान है। हारून रशीद खड़ा हो गया। ये आमिर बसरी कहते हैं मैं उसके कान में मैंने ये 2 बातें कही थी कि परदेसी लड़का था, उसने वसीयत की थी और कहा था मेरे अब्बा हारून रशीद को अंगूठी और ये कुरान पाक हाथ में दे देना। हारून रशीद ज़ारो क़तार रोने लगा और जब वापस अपने घर में आया, उसको बुलाया, चौकीदारों ने इसको कहा आमिर बसरी को 10 बातें करना चाहते हो, 2 ही बातें करना, क्योंकि बादशाह पे अपने बेटे की जुदाई का बहुत सदमा है। आमिर बसरी कहते हैं मुझे उसने रात को बुलाया और मुझे पूछा तू कैसे जानता था। मैंने कहा मैंने उससे मजदूरी का काम करवाया। तो हारून रशीद ने कहा तुझे पता नहीं था वो वक्त, वो तो मेरा बेटा था। कहा जी ये खबर तो उसने नहीं होने दी, जब वो दुनिया से जाने लगा तो उस वक्त पता चला। और हारून वो आमिर बसरी कहते हैं जब दूसरी रात आई तो एक नूर का कुब्बा था, मैंने देखा कि हर तरफ नूर ही नूर था, रोशनी ही रोशनी थी, फूल ही फूल थे, और वो गुम्बद खुलता है, उसका एक दरवाजा है और वो दरवाजा खुलता है, वहाँ वो खूबसूरत लड़का हारून रशीद का बेटा वहाँ बैठा हुआ है, कुरान की याद पढ़ता है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो दुनिया में अल्लाह से डर कर जिसने ज़िंदगी गुजारी, आँखों की हिफाजत, कानों की हिफाजत, जबान की हिफाजत, दिल की हिफाजत, खाने पीने में एहतियात, हर एतबार से उसने अल्लाह के हुक्म को माना और अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारी, तो कहा उसके लिए 2 बाग हैं, मुझे अल्लाह ने वो 2 बाग दे दिए हैं। अल्लाह ने कहा जो भी तेरी तरह जिंदगी गुजारेगा उसको 2 बाग मिलेंगे। अल्लाह ने आज मुझे 2 बाग दे दिए हैं, मेरा ये पैगाम उम्मत तक पहुंचा दो। ए लोगों, अल्लाह से डरते रहो, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ कर दो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस बच्चे जैसा ईमान और तकवा और खौफ नसीब फरमाए।